की मसाज, दोस्तों लिंग की मसाज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और तीन टॉपिक को लेकर चलेंगे। पहला टॉपिक, लिंग की मसाज के क्या फ़ायदे हैं। दूसरा टॉपिक, किस से लिंग की मसाज करनी चाहिए। तीसरा टॉपिक, लिंग की मसाज कैसे कर सकते हैं अपन, कैसे तरीका क्या है लिंग की मसाज करने का। तो इस वीडियो में मैं तीनों चीज़ कवर करूँगा और आपके बहुत काम की है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि किस से मसाज कर सकते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि क्या फ़ायदे हैं, और तीसरी बात करेंगे कि कैसे मसाज करनी चाहिए। मैं हूं आयुर्वेदिक डॉक्टर मुकुल शर्मा और मैं यहां आपको ऐसी नॉलेज देता रहता हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, एक जेन्युइन तरीके से, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों लिंग पर अगर आप तेल लगाते हो, अगर कोई केमिकल युक्त तेल नहीं है, हर्बल चीज़ है, बिना साइड इफेक्ट के लिए तेल है, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे कौन सा तेल सही रहेगा। तो उससे आपके मसल्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, उसमें थोड़ी सी जान आती है, आप सोचो कि नहीं बहुत ताकत आ जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ अच्छा है, लगाना चाहिए, रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक बार दो बार लगाना ज़रूरी है, चाहिए, अच्छी चीज़ है, उससे वहाँ की स्किन थोड़ी सी मुलायम और सही बनी रहती है, इरेक्शन में भी सही तरीके से एक तनाव आने में दिक्कत नहीं आती, ठीक है, वहाँ मजबूती होती है अंदर जाके। लेकिन आपको सही तरीके से उसकी मसाज करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मसाज करनी पड़ेगी, ओके। तो आपको करनी किससे है मसाज, आप ये मत सोचिएगा कि लिंग पे तेल लगाने से आपका लिंग बहुत लंबा मोटा हो जाएगा, टाइमिंग बढ़ जाएगी, वो कभी नहीं होता है। अगर आपका लिंग पे तेल लगाने से टाइमिंग बढ़ रही है तो वो कोई केमिकल है और उससे आपका लिंग में सूजन आती है और इसलिए टाइमिंग बढ़ती है और वो आपको बहुत साइड इफेक्ट करेगा। ऐसा तेल कभी मिल जाए आपको तो प्लीज़ फेंक देना घर से, और ज़िंदगी में ऐसे तेल को घर में यूज़ मत करना, और लोगों को भी बताना कि ये तेल बर्बाद करने वाला तेल है, जैसे जापानी ऑयल और भी बहुत मार्केट में आ रहे हैं, सांडा ऑयल, ऐसे नाम करके अट्रैक्शन नाम कर करके बेचने लग रहे हैं आपको, आप लोग धड़ल्ले से खरीद भी रहे हो कि अरे यार 1000 रुपये में अपना तो काम बन जाएगा, लिंग लंबा मोटा हो जाएगा, टाइमिंग बढ़ जाएगी, लेकिन वो 1000 रुपये आपको इतने दुख देंगे कि 1,00,000 रुपये भी लगा के आप सही नहीं हो पाओगे। फिर हम बात करते हैं कि कौन सा तेल सबसे बढ़िया रहेगा। आई थिंक मैं अपनी ऊपर से आपको लेके बताता हूँ कि अगर आपको एक नेचुरल तेल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप पे एसएमएस करते रहते हो, मैं एक नेचुरल तेल आपको भिजवा सकता हूँ, 1600 रुपये का आएगा, आप आराम से 2-3 महीने यूज़ कर सकते हैं उसको। लेकिन आपको, आप चाहते हो कि सर नहीं हम तो मार्केट का ही बता दीजिए, तो वो भी बताने के लिए बैठे हैं। देखो मार्केट में जो ऑयल आते हैं 99% सब बर्बाद करने वाले हैं लिंग के ऑयल, तो उसको मत खरीदो। इससे अच्छा है जैतून ऑयल, जिसको ओलिव ऑयल भी बोलते हैं, वो लगाओ आप, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप तिल का तेल भी लगा सकते हैं, तीसरे नंबर पे आप सरसों का तेल भी हल्का हल्का लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ तक जाने की जरूरत ना आए, नौबत ना आए। तिल का तेल और जैतून का तेल ही सबसे उत्तम तेल है, इनका ही यूज करिए, इससे अलावा आप परेशान ना होइए। अगर आपको मेरे से तेल चाहिए कि हाँ सर आप कोई तेल बनाते हैं प्राकृतिक रूप से, तो उसके लिए आप मुझे SMS करना, सिर्फ WhatsApp पे अपना एड्रेस, 1500-1600 रुपये का पड़ेगा शायद आपको, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको मसाज कैसे करनी है। दोस्तों कभी भी अपनी जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसको ग्लास पेनिस कहते हैं, जो गोल गोल होता है, जिसके नीचे स्किन ऐसे आ जाती है फिर वो बाहर आता है, वो हिस्सा कभी भी तेल लगाने लायक नहीं होता, उस पर कभी भी तेल नहीं लगाना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी भी कोई मसाज करते हो तो उस हिस्से पे कभी मसाज नहीं करनी है, क्योंकि उससे आपको रिएक्शन हो सकता है, कोई भी केमिकल लगा लो गलती से कुछ भी, तो उस हिस्से पे कभी तेल नहीं लगाना चाहिए, वो साइड इफेक्ट करेगा आपको आगे चलकर, अभी नहीं करेगा तो। फिर आपको मसाज कैसे करनी है, आपको मसाज नीचे से ऊपर तक ले जानी है, ना कि ऊपर से नीचे, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाओगे आप तो हमेशा इस पर तेल लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए लिंग ऐसे 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 से मसाज करनी है, 2 उंगलियां लो, तेल लगाओ और ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे से मसाज करो, ये है सही तरीका, और ये तरीका लोगों तक आपको पहुंचाना है, लिंग पर मसाज करने का सही तरीका है, और इसको वीडियो को शेयर करके आप लोगों को दर्शा सकते हैं कि सर देखिए ये है तरीका मसाज करने का, और ये तेल आप लगा सकते हैं, ये तेल लगाने के फ़ायदे होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिए।